जानकारी? मामला है कि कल दिनांक 31/5/12 को पवन बजाज द्वारा गोंदा थाना पर एक लिखित प्रतिवेदन दिया गया कि उनके साथ नुबरा जो और मांझी के रहने वाले हैं 15 लाख रुपये का जो है कि आपके का पायोनियर अखबार में जो है गड़बड़ी की जाती है तथा अन्य हत्या में भी आप संलग्न रहे हैं राजू हत्याकांड में एवं माननीय मुख्यमंत्री अन्य जो है वरीय पदाधिकारी के संबंध में वेबसाइट पर जो है उनकी बातें दर्शाई गई है उस संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस उपाधीक्षक सदर द्वारा यह आदेश निर्देश प्राप्त हुआ कि यह मुकेश भारतीय द्वारा जो है यह गलत किया गया है, इस संबंध में उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करना है। उनके आदेशानुसार इनकी गिरफ्तारी की गई और इन्हें जो है न्यायालय जो है दी जाती है।387 388 IT Act IPC एवं 66A 66B 67 IT Act के अंतर्गत इनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। ये हुकूमत तब कल गिरफ्तारी हुई इनका? हाँ, रात में गिरफ्तारी हुई है। इमारत को पवन बजाज द्वारा जो पनियर के संचालक हैं या उनके द्वारा यह प्राथमिकी दर्ज की गई कि ओरमांझी के मुकेश भारतिया द्वारा इन्हें बार बार जो है धमकी दी जा रही है कि आप जो है राजू धानका के हत्या के अभियुक्त भी हैं और यह अखबार जो है आपका नहीं माननीय मुख्यमंत्री मुंडा जी का है। इस समय वेबसाइट पर भी इन्होंने जो है वरीय पदाधिकारी प्रशासनिक पदाधिकारी के विरुद्ध में ये हुए कि इनके कार्यालय में जाकर के मौज मस्ती करते हैं, तो इस संबंध में ही पूरे की दर्ज प्राथमिकी दर्ज होने के उपरांत पुलिस उपाधीक्षक सदर के आदेशानुसार इस कांड के अभी मुकेश भारतिया को गिरफ्तार किया गया है। हमारा वो पब्लिश कब हुआ है आर्टिकल? नहीं, ये तो करीब एक आध सप्ताह हो गया। वो नाम धानका वाला मामला भी उसमें था। हाँ, ये कीजिए उसमें आरोपी क्या मुकेश जी, क्या मामला? कल मैं अपना वेबसाइट कंप्यूटर को अपडेट करने के बाद मिशन गली में छपा सो गया था कि अचानक दरवाजे पर खटखट की आवाज सुनाई दी। मेरी पत्नी ने कहा कि लगता है कोई आवाज दे रहा है, कर देखो तो देखो तो 4-5 बस की गाड़ियां थी। मैं सोचा कि यहाँ पर घटना हो गई, रामदास चौधरी बगल में रहते हैं, उनके यहाँ पर हाफड़ा हो गया। इसी बीच में दो फोर्स दूसरे गुमझले मकान पर अचानक खड़ गए, पीछे से चलो नीचे उतरो फिर आया। फिर मैं देखा कि कुछ आवाज दे रहे हैं थाना प्रभारी थे हनुमान जी के, उनके फिर मैंने चाबी मंगवाया, गेट खोला, फिर उनको बोला क्या बात है सर, चलो कुछ नहीं लिखे हो क्या, उसी संदर्भ में कुछ पूछताछ करना है, कुछ नहीं ज्यादा कोई मामला नहीं, चलो DSP साहब वहाँ कुछ पूछताछ करेंगे। यहाँ आए तो सब जो अनुसंधान करता इन्होंने कहा कि तुम गए हो धान का वो पवन बजाज के यहाँ घर 15 लाख रुपये मांगे। मैंने कहा कि सर मैं तो पवन बजाज का नाम जानता हूँ, उनके बारे में कुछ खबरें मैंने छापी है, इसके अलावा तो मैंने लिखा अभी तक मुकेश भारतीय को भी वो नहीं देखे हूँ। फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि ठीक है आपका लैपटॉप मोबाइल ये सब हम इंक्वायरी के लिए रखते हैं, बाद में जाँच करने के बाद हम मामला बना बताते हैं क्या है बात सच्चाई। दरअसल एक चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही है कि मैं जर्नलिज्म प्रोफेशन में अब पवन बजाज भी उतर चुकी हूँ,
मैं कोर्ट फाइल किया था वो एक सप्ताह पहले किया था, उसमें कुछ साबित त्रुटि मानी जा सकती है लेकिन सबकोशिक नहीं। एक मौज मस्ती शब्द आती है, मौज का मतलब होता है घूमना और मस्ती का मतलब फिरना, लेकिन मौज मस्ती का ये लोग अर्थ लगा रहे हैं। जो खबर मेरी संवाददाता के द्वारा भेजी गई थी सूत्रों के अनुसार, ये चाहते तो हर का खंडन कर सकते थे, हमें मेरे वेबसाइट पर एक ब्रेकिंग की रहती है, अगर गायित हो तुरंत हमें सूचित करें, हम सुधार करेंगे, हम अभी हम न्यूज को गिरा देंगे या बदल देंगे। लेकिन नहीं, कल अचानक जब मैंने एक आरए में आई की खबर मैंने छापी कि इनकी सर्कुलेशन 80,000 है, 80,661 है, लेकिन झारखंड में कहीं इतनी पत्तियां बिकती नहीं दिखती है, ये क्या खेल है। इस खबर के बाद रात को अचानक, जैसा कि अनुसार कर्णव महोदय बता रहे थे, वरीय प्राधिकारी के आदेश अनुसार जी सात अनुसार चार गाड़ियां भेजकर छत पर सोए क्रिमिनल की तरह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मुझे यहाँ लाया गया, और यहाँ लाने के बाद अभी तक मेरा पक्ष जो सच्चाई है वो जानने की कोशिश भी नहीं हुई। सच्चाई यह है कि मैंने एक खबर पब्लिश की थी जिसका खंडन किया जा सकता था, शाब्दिक गलतियां जर्नलिज्म में होते संवाद द्वारा, एडिटिंग के द्वारा, खासकर नेट वीडियो जिसको सुधारा जा सकता है, लेकिन उसके नाम पर इन्होंने कहना, मैं पवन बजाज जी को मैं जानता नहीं, उनका कहना है कि मेरे घर आकर 15 लाख रुपया मांगा, ये समझ में नहीं आता। वो जिक्र करते हैं कि मुझे हत्याकांड का अभियुक्त इसमें दर्शाया गया है, तो जहां तक मुझे मालूम है एक समय जब वो धानका जी की हत्या हुई थी तो उसमें इनका नाम समाचार पत्रों की सुर्खियों में आया था, बाद में क्या इंक्वायरी हुई नहीं हुई, आरोप तो लगे ही थे, मैंने कहा उनको सजा आपका मुजरिम करा दिया, मैंने आरोप लिखा है, आरोपी अभियुक्त रहे हैं तो आरोप तो लगता है, जिसे हम भी अभी आरोपी हैं। दूसरे पहलू में कि आपकी गिरफ्तारी भी एक बहुत बड़े क्रिमिनल करा के लिए, बहुत बड़े क्रिमिनल की तिथि दे गई, और मैं ये प्रमाणित कर सकता हूँ कि इसमें एक बहुत उच्च स्तरीय लोग शामिल हैं, इसमें सूचना अधिकार अधिनियम के तहत मैंने मांग की थी पीआरडीए विभाग की कुछ सूचनाएं जो मेरे वेबसाइट पर न्यूज लैस है उसमें देखी जा सकती है। 2 महीने हो गए सूचना नहीं दी गई, नए जो डायरेक्टर आए हैं उन्होंने मुझे कल ही बुलाया था कि आप अपनी सारी सूचनाएं ले जाइए, लेकिन जब बंद के कारण मैं नहीं आया, आज मैं आता, लेकिन इसी बीच आज मैं आता उसको सूचना लेने, क्योंकि उन्होंने वचन दिया था कि एक ही सूचना दी जाएगी, आज बीती रात 1 बजे अचानक बिना न कोई खंड में कुछ अचानक 4 गाड़ी फोर्स जाकर मुझे अरेस्ट करके स्थानीय ग्रहण करके जाती है। मामला क्या है आप इसके पर ठीक आपने यही आया था, दूसरे क्लिप में काम करने आया, अपना करके दिखाऊंगा, मत लीजिए अब तो होते रहते हैं।